गाइस और स्वागत है आप सभी का डीसी यूनिवर्स में। और आज हम लोग जा रहे हैं करने पॉडकास्ट सुपरमैन एंड लोइस और नाओमी का। मैं शुरू करता हूँ नाओमी से। नाओमी का जो सीरीज है ये अपना जो स्टोरी है वो आगे बढ़ाता है कि ये जब जुम्बैरो और डी को पता चलता है कि नाओमी कौन है और नाओमी क्यों इस देश में मतलब इस अर्थ में आया है। और नाओमी को भी ये पता चलता है कि जुम्बैरो असल में उसका प्रोटेक्टर है, उसके लिए उसको रक्षा करने के लिए यहाँ पे उनका जो पेरेंट है उसके बजाने के बाद जुम्बैरो यहाँ पे रह गया है। तो वो इस मतलब स्टोरी में एक नया जान डालता है और ये स्टोरी आगे बढ़ता है। और इस वीक का जो एपिसोड है सीजन 1 का एपिसोड 8, उसमें नाओमी जाता है कुछ ऐसा कुछ फाइंड करने मतलब ढूंढने स्टार लैब में, जो उसको शायद नया एक ओट डे और एलियन फाउंडेशन में एक नया मौका बना के दे, ताकि वो उसे पता चल सके कि यहाँ इस पोर्टस वेगो में कौन कौन और एलियन है और कौन कौन उसको और ज़्यादा मदद करने वाला है इसका ये जो इन्वेशन है, ताकि वो अपना लोगों को बचा सके। और जो लोग मतलब बूढ़े लोग हैं मतलब बूढ़े एलियन से या मीटा ह्यूमन से, और शायद जो लोग मीटा ह्यूमन को रोकना चाहते हैं उन लोगों को रोक सके। तो इस जो एपिसोड है ये एपिसोड शुरू होता है एज यूजुअल नाओमी की तरह। और मतलब यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी भी दिखाता है नाओमी का दोस्त के साथ उनका उसका जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा अभी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि वो जो है वो अभी अपना फोकस पूरा दे रहा है अपने ट्रेनिंग में, अपने आप को बेहतर बनाने में, ताकि वो ऐसा एलियन या ऐसा सुपर प्रोटेक्टर, ऐसा सुपर ह्यूमन और ऐसा सुपर हीरो ये अर्थ को रक्षा कर सके। और वो अभी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है डी या जुम्बैरो के साथ। वहीं पे दिखाया जा रहा है कि जुम्बैरो को डी का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है जो नाओमी पे चल रहा है वो बहुत पसंद नहीं है। उसको लगता है कि नाओमी को शायद और थोड़ा ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो अपने आप में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एजिलिटी वाला और ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथफुल बने। और जुम्बैरो को डी को लगता है कि नहीं, उसका जो ट्रेनिंग चल रहा है वो परफेक्ट चल रहा है, वो अगर धीरे धीरे सीखेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, वो अपने पावर को कंट्रोल करने सीखेगा। तो ये सब में बीच में जो है एपिसोड चलता है। एपिसोड में VFX बहुत अच्छा है, लेकिन जो एडिटिंग है एज यूजुअल नाओमी की तरह वो थोड़ा लैक करता है कई कई जगह पर, वो बहुत स्लगिश या स्लो रखता है। और जो एक्शन है बहुत कम है, मतलब उसका जो बजट है वो शायद बहुत कम लग रहा है शो का देखने में। ये लोग अगर ज़्यादा बजट यूज़ करके अगर एटलीस्ट एक्शन सीन को अगर अच्छा करेंगे, जैसे कि सुपरमैन और लोइस में है या शायद तो फ्लैश में है, तो बहुत 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 अच्छा होगा शो के लिए। एना डूवर्ने का जो और एक सीरीज आया था DMC, वो भी बहुत एवरेज रिव्यू मिला उसको पब्लिक की तरफ से, इसको भी बहुत एवरेज रिव्यू मिल रहा है। नाओमी को अगर ऐसा चलता रहा तो नाओमी शायद सीजन 2 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये मतलब सीरीज तो अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ फैंस जो है डीसी फैंस उन लोगों के लिए अच्छा लग रहा है, जो नॉर्मल ऑडियंस है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत स्लगिश है और बहुत मतलब क्या बोलूँ बहुत बहुत स्लो है। और जो स्टोरी बिल्डअप है बहुत बहुत टाइम लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका जो फ्रेंड है वो नाओमी की हेल्प करता है एक मशीन बना के, जो वो लोग स्टार लैब से मतलब लेके आते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करके वो लोग एक्चुअली में मेटा ट्रैक डाउन मशीन एक बनाते हैं, जिससे उसको पता चलता है कि पोर्टस वेगो में बहुत सारे मेटा ह्यूमन है। और वहाँ पे एक वहाँ का एक स्टोर रूम है जिसमें जाके वो लोगों को पता चलता है कि नाओमी के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत साल से पता है कि वो लोग यहाँ पे एज एलियन का फादर और मदर मतलब एलियन को एडॉप्ट करके रखा हुआ है। और वो लोग चाहते हैं कि शायद नाओमी जो है वो पोर्टस वेगो छोड़ कर चला जाए, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि एक आर्मी मिलिट्री DOD जो है वो लोग एक इन्वेशन करने वाला है, जिसकी वजह से वो लोग हर एक मेटा ह्यूमंस को टेक डाउन करेगा। तो ये सब होता है इस एपिसोड में। इसके बीच में जो होता है थोड़ा थोड़ा एक्शन होता है, और जुम्बैरो को भी पता चलता है कि और कौन कौन मेटा ह्यूमंस इस अर्थ में जिंदा है और वो कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग अच्छा नहीं है। उसके बाद जो है नाओमी जब अपना घर में लौट के आता है, उसके जो खुद का बेस्ट फ्रेंड है उसके भी साथ थोड़ा मतलब डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप चल रहा है, अभी झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में। और जो है कि नाओमी जब अपने घर में आता है और वो जो मेटा ह्यूमन जो ट्रैक डाउन मशीन था उसको यूज़ करता है अपना पावर सोर्स को समझने के लिए, तो उसको पता चलता है कि उसके घर में ही एक मेटा ह्यूमन है और उसको ये मेटा ह्यूमन को पता करना है कि वो कौन है। ये पता करने के जब जाते हैं तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इस जो वीक का जो एपिसोड था ये उतना भी खास नहीं था, लेकिन एज अ एपिसोड इट वॉज ओके। सो मेरा रिव्यू इसमें रहेगा सिर्फ 8.5 out of 10, जो बहुत ख़राब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से नाओमी जो सीरीज़ है वो बहुत मतलब एक एपिसोड से बहुत अच्छा करता है और दूसरे एपिसोड से फिर से नीचे आता है उसका ग्राफ, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। तो ये बहुत अनइवन एवरेज एपिसोड अभी तक चल रहा है, मतलब पूरा सीरीज एवरेज बन गया है। तो मैं यही होप करूँगा कि एवर डूवर ने अपना बजट और अपना प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करे, जो स्टंट है जो एक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाए, उसके बाद जो सीरीज़ है उसको अच्छे से मतलब क्रिस्प बनाए, जैसे सुपरमैन और लोइस है या फ्लैश हो जाए वैसे है, बाकी जो एरोवर्स का सीरीज है वैसे उस तरह से
मतलब बनाए ताकि ये लोग बहुत अपीलिंग बने, ये सीरीज़ बहुत अपीलिंग बने अपने डीसी के फैंस के पास। तो यही मेरा रिव्यू था नाओमी का। उसके बाद हम चलते हैं अभी सुपरमैन एंड लोइस में। और नाओमी का जो मतलब एपिसोड है ये अगर आप लोगों को देखना है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप लोग जाकर देखिए। इसमें शायद और कुछ थोड़ी मतलब छोटा मोटा पार्ट आता है स्टोरी में जो कनेक्ट करता है पूरा डॉट को। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम है मतलब ये जो आर 29 से है नाओमी, और जो स्टोरी एक्चुअली में पिछले एपिसोड में डिक्लेयर किया गया था कि वहाँ पे 29 ह्यूमन मेटा ह्यूमन बींग्स था, उसमें से नाओमी का पापा और मम्मी भी था, एक्चुअल पापा मम्मी। उसके बाद वो लोग उसको मतलब मारने की कोशिश में, उसका पापा मम्मी को मारने के बाद जब उसको मारने आया उसके लिए जुम्बाड़े उसको बचा के मेटा ह्यूमन को मतलब इस अर्थ प्राइम में लेके आया है। उसके बाद उसके कौन कौन एनिमी है यहाँ पे है, क्यों है, क्यों उसको मारना चाह रहा है, ये जो स्टोरी है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और बहुत मतलब जल्द करना चाहिए। तो मैं इसका क्लाइमेक्स के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहता है नाओमी तो प्लीज़ इस एक सीज़न आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। कि उसके बाद अगर ये स्टोरी अच्छा नहीं रहा क्लाइमेक्स में तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको फिर से मत देखिए। तो अभी जाते हैं सुपरमैन एंड लोइस में। सुपरमैन एंड लोइस इज़ बैक विद अ बैंग। जैसे ये सीरीज़ है पूरा परफेक्ट सीरीज़ जैसे बनना चाहिए वैसे बनाया गया है। क्या एक्शन है, क्या एक्टिंग है, क्या क्रिस्प स्टोरी है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है। इस साल का मतलब इस वीक का जो एपिसोड है उसमें हम देख रहे हैं, इस साल का जो एपिसोड है मतलब सीज़न है सीज़न टू, वो तो बिल्कुल भी बहुत बढ़िया है। पहले सीज़न से भी बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है इसमें। और इसका जो बजट है वो दिख रहा है, जो VFX है, जो शॉट्स है, जो फ्लाइंग टेक्निक्स है, सुपरमैन जो एक्शन करता है डिजायरों के साथ वो परफेक्ट दिखाया गया है। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है यहाँ पे जो होता है कि जो मतलब जो DOD का जो हेड था मिचल, वो जब जाता है वो विलेन के पास, जो विलेन यहाँ पे मतलब जो जो औरत है जो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे दो आर्थ एक पैरल है, यहाँ पे आप लोगों का हाफ पार्ट रहता है, बाकी हाफ जो आपका बेटर हाफ है वो दूसरे यूनिवर्स में रहता है, और अगर आप दोनों यूनिवर्स को एक साथ जोड़ देंगे तो आप बहुत पावरफुल बन जाएगा। वो जो क्लेम करता है वो औरत, उसके पास वो जाता है और उसको लगता है कि वो अपना जो पेंडेंट है जो जिसको जो उसको उसको बिजारों के पास से मिला है वो अगर उस औरत को दे देते हैं एलिस को, और एलिस अगर अपना पेंडेंट और ये पेंडेंट दोनों को मिला देंगे तो एक फॉर्मिडेबल फोर्स तैयार करेंगे और ये लोग को अपना खुद का मेटा पावर मिलेगा और ये लोग शायद इस अर्थ या पूरा मल्टीवर्स या जो मिरर वर्स है उसका पूरा कब्जा कर सकता है। तो इसके बाद जो है एलिस उसको फिर कुछ करता है, उसके वजह से वो अपना बेकर हब से मिलने जाता है अपना ड्रीम सीक्वेंस में। ड्रीम सीक्वेंस में उसको जैसा पता चलता है कि जो दूसरा एलिस है जो R29 से है वो इस एलिस के लिए एक मैसेज भेजते हैं कि हाँ या भी टाइम हो गया है, यू कैन कम हेयर नाउ। तो अभी उसके बाद ये लोग एक पोर्टल को ढूंढते हुए जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो लोग एक ईयर रखे आता है, मतलब जो एक्स क्रिप्टोनाइट का जो खदान था जहाँ पे उन लोगों को एक्स क्रिप्टोनाइट मिल रहा था, जो टनल था उस टनल में शायद एक पोर्टल खुला हुआ है, ये बात एलिस को पता था। और एलिस वहाँ पे जाता है बाकी सब लोगों को लेकर, साथ में वो लूसी को भी ले जाता है, शायद यहाँ पे वो जो है जो लोइस के साथ काम करता है स्मॉल वी गैजेट में वो लड़की को भी ले जाता है। और वो लोग जब जाते हैं वो मिररवर्स में घुसने के लिए एक पोर्टल के जरिए से सब ये लोग पता चलता है कि वो मिररवर्स मतलब मिररवर्स में जो लोग जा रहा है वो शायद और लौट के नहीं आ रहा, वो सब डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। उसी टाइम पे वहाँ पे सुपरमैन पहुँच जाता है। सुपरमैन बहुत कोशिश करके जो लोइस के साथ जो लड़की काम करता है गैजेट में स्मॉल फील गैजेट में उसको बचा के लाता है, और जो एलिस है उसको बचा के लाता है। लेकिन एलिस के पास वहाँ पे जो DOD का हेड आर्मी चीफ जनरल था वो एलिस के पास से दोनों ही लॉकेट छीन लेता है और वो खुद मिररवर्स में घुस जाता है। उसके बाद जो है पोर्टल बंद हो जाता है और लूसी को अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और इस तरफ जो है जॉर्डन को अभी खुद के पेरेंट्स के पास से बहुत सारा गार्ड मिल रहा है, क्योंकि उसके पास से बहुत सारा ड्रग्स मिल रहा है, क्रिप्टोनाइट ड्रग जो वो यूज़ कर रहा था अपने आप को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए, ताकि वो जो बेस वॉलीबॉल का टीम है जो मतलब रग्बी का जो टीम है कॉलेज में उसमें वो अच्छा कर सके। उसके बाद जो होता है कि वो जब उसका जो गर्लफ्रेंड है उसके पास जो है उसका जो सप्लायर है वो आता है पैसा मांगने के लिए, और सप्लायर को पैसा नहीं देने की वजह से वो जो गर्लफ्रेंड है उसको रोकने के लिए जब उसका जो मतलब सप्लायर था वो आता है तो वो अपने आप में एक क्रिप्टोनाइट यूज़ करता है और जॉनाथन उसको बचाना जाता है। जब बचाना जाता है तब उसको अटैक करता है वो लड़का जो सप्लायर है, और तभी वहाँ पे जॉर्डन भी आ जाता है। जॉर्डन का असल में डेट था जो लूसी का बेटी है उसके साथ, और उसकी जो एक लेस्बियन फ्रेंड है उसके साथ, दोनों के साथ उसका एक डेट था। लेकिन वो डेट छोड़ के आने में सारा के साथ जो डेट था वो छोड़ के आने में उसको पड़ता है, वो डेट छोड़ के आना पड़ता है, और वो आता है अपना भाई जॉनाथन को बचाने के लिए। और वो अपना जो सुपर ह्यूमन पावर है क्योंकि वो सुपर बॉय है वो यूज़ करके वो अपना भाई को उस टाइम बचा लेता है। लेकिन वो खुद भी जोखिम हो जाता है, उसका मुँह
टूट जाता है, हाथ में मतलब खून लग जाता है, इसके वजह से वो फिर से गेट में लौट के नहीं जा सकता है। यहाँ पे जो है उसके बाद वो जोनाथन को बचा के घर में लेके आता है, लेकिन अभी जो है ये लोइस और जो उसका पापा है मतलब लोइस का पापा जो है मिस्टर लेन, उसको अपना बेटी मतलब लूसी को लूसी नहीं मिल रहा है, और वो फिर जाता है अपना डीओडी में अपना जो पेंडेंट है जो वो रखा था बिजारों के पास से लेके अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने प्रोडक्शन में डीओडी में वो ढूंढने जाता है ताकि वो मिले तो सुपरमैन को हेल्प मिल जाए पॉइंट डाउन करने के लिए कि ये जो दूसरा जो पेंडेंट है जो अभी इसके पास है मतलब जो डीओडी का जो दूसरा एंडरसन है उसके पास है मतलब दूसरा जो हेड है उसके पास है दूसरा पेंडेंट, वो ट्रैक डाउन करने में हेल्प करे क्योंकि दो पेंडेंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जब दूसरा पेंडेंट ढूंढने आता है तो उसको देखने में मिलता है कि डीओडी का जो दूसरा पेंडेंट है वो भी एंडरसन लेके चला गया है, और उसके बाद जो होता है कि वो लोग जब लूसी को ढूंढने आता है तो लूसी को ढूंढते ढूंढते जो अभी होता है कि उन लोगों को लगता है कि लूसी को शायद एलिस ने अपने साथ में मिराज वर्ल्ड्स में लेके गया है और मिराज वर्ल्ड्स में भेज दिया है। तभी असल में जो होता है कि लूसी आ जाता है और लूसी आके वहाँ पे बोलता है कि नहीं वो सही है, उसको टाइम में समझ में आ गया था कि क्या करना है, और उसके जो परिवार वाले उसके जो डैड है वही सही थे, और लोइस का जो बात था उसको बहुत अच्छा लगा और उसको वो हेल्प किया है अपने जो बुरा मतलब बुरा थॉट्स था उस सबसे ऊपर उठने के लिए। उसके बाद वो खुद निकल के आता है और वो बहुत कन्विंस करता है लोइस को और उसके पापा को कि वो अभी सुधर चुका है, उसके पापा को लेकर चला जाता है। तो अभी आखिरी जो सीन है वहाँ पे दिखने को मिलता है कि लोइस लूसी अथॉरिटी में सुधरा नहीं है, वो असल में प्लान बहुत कुछ प्लान कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखने को मिलता है कि वो अपना पापा जो है उसको जहर पिला देता है ड्रिंक में से, और उसका पापा जो है वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे इस एपिसोड में और एक पहलू भी है जहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन आता है, वहाँ पे दिखाया जाता है हम लोगों को अर्थ 14 या 15 से शायद जो सॉरी अर्थ 29 से ये वो लोग है जहाँ पे जहाँ से आता है स्टील मतलब जोनाथन स्टील, और जोनाथन स्टील जो है वो उस अर्थ में इविल सुपरमैन को पीछे करता है अपना स्पेसशिप में, उसके बेटी भी उसके पीछे पीछे रहता है। तो आप वहीं पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, वो पोर्टल जो मिरर्स का पोर्टल है वो पोर्टल से वो डायरेक्टली यहाँ पे इस अर्थ में आ जाता है, और वहाँ पे उस पोर्टल में उसका जो बेटी है एलिस मतलब एलिस नहीं है और कुछ शायद नाम है उसका यहाँ में याद आ रहा है अभी, वो भी फंस जाता है। और उसके बाद उसका जब आँख खुलता है तो वो अभी अर्थ में होता है। यहाँ पे अर्थ के आने के बाद हम लोग पता है कि स्टील बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है, सुपरमैन को बचाना जब जाता है वो बिजारों के अगेंस्ट में, और अभी वो कोमा में था और रिसेंटली वो कोमा से बाहर आया है। तो शायद ये लोग ये जो स्टोरी है क्या हुआ था उस पोर्टल में, वो लोग कितने देर तक वहाँ पे अटके हुए थे, कैसे वो लोग अर्थ 29 से अर्थ प्राइम में आए हैं, क्या हुआ है, क्या पोर्टल मिरर्स क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका पावर क्या है, ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं आने वाले एपिसोड में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुपरमैन और लोइस का आने वाले एपिसोड के लिए, और जो क्लाइमैक्स का सीजन है बिकॉज ये सीजन अभी खत्म होने को आया है, शायद 10 या 11 एपिसोड में ये खत्म हो जाएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्टिंग वाइज एक्शन वाइज स्क्रिप्ट वाइज के बहुत 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 अच्छा वन ऑफ द बेस्ट एरोवर्स का शो है, तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। और इस एपिसोड का जो रेटिंग है ये मेरे लिए 10 out of 10 रहेगा, क्योंकि इस जो स्टोरी था एक्शन क्रिस्प एडिटिंग था बैकग्राउंड स्कोर था वो लाजवाब था। तो यही था इस वीक का पॉडकास्ट सुपरमैन और लोइस और नाओमी का। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल का फैन है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो वो भी हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे हम लोगों को चैनल को शेयर करेंगे तो हम लोगों को शाउट आउट भी मिलेगा और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर। तो गाइस ये था इस वीक का सुपरमैन लोइस और नाओमी का पॉडकास्ट। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो हमेशा के लिए याद रखिए #DC Forever, और हम लोगों के चैनल को सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।